हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्लेनेट पर। तो आज की वीडियो है लिपिड्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और लिपिड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली नोन एज लिपिड्स, ठीक है। तो फैट्स और उनके डेरिवेटिव्स को कलेक्टिवली जो है लिपिड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स वर्ड का मतलब, डेरिवेटिव्स वर्ड का जो है मैं आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स वर्ड का मतलब ये होता है प्रोडक्ट्स, या फिर इसको हम सोर्स कह सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है प्रोडक्ट और सोर्स, ठीक है। फैट एंड देयर डेरिवेटिव्स, फैट या फिर फैट और उसका जो फैट का जो प्रोडक्ट होता है या फिर उसका जो सोर्स होता है, इसको हम कलेक्टिवली जो है, इसको हम जो है कलेक्टिवली जो है हम इसको लिपिड्स कहते हैं, ठीक है जी। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। अब हेट्रोजीनियस ग्रुप का क्या मतलब होता है? हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब ये होता है देर इज़ अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है कि जो हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक पहले आपको जानिए, यहाँ तक ऑक्सीजन तक पहले आप समझिए, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? लिपिड्स जो होते हैं, उस लिपिड्स जो होते हैं उनमें हेट्रोजीनियस ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है जी। एंड इट कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब ये जो लिपिड्स होते हैं इनमें, ये जो क्या कहते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होता है, देर विल बी मोर हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। लिपिड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन लेस होता है, यानी कि कम होता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसको हम जो है लिपिड्स कहते हैं, इज नोन एज लिपिड्स, ठीक है जी। लिपिड टर्म इज़ फर्स्ट प्रपोज बाय ब्लूर, ठीक है। तो ब्लूर जो है इन्होंने जो है पहली बार लिपिड टर्म को प्रपोज किया था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने लिपिड को लिपिड नाम दिया था, उसका नामकरण किया था, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब है इसका, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि देखो ये लिपिड है, बस खत्म। इन्होंने जो है लिपिड को लिपिड कहा था, ठीक है, उसका नामकरण किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है कि ब्लूर जी ने जो है यहाँ पे लिपिड लिपिड जो है लिपिड टर्म उसको, यानी कि लिपिड को लिपिड नाम दिया था, उसका नामकरण किया था, ठीक है जी। अब आइए इसके फीचर्स के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो बहुत आसान है इसके फीचर्स को भी समझना। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब है वाटर में घुल नहीं पाते हैं, ठीक है, घुल नहीं पाते हैं वाटर में। बट दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, हॉट एल्कोहल, पेट्रोलियम, ईथर, ईथर एक्सेट्रा। ईथर यहाँ पे दो बार हो गया, आप इसको एक ही बार कर लेना, ठीक है। रुकिए एक सेकेंड। तो ईथर एक एक को हटा देना आप, ठीक है जी। हाँ ओके। तो पहला इसका फीचर मैंने आपको क्या बताया कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, पानी में ये घुलते नहीं है, ठीक है। बट दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, लेकिन ये क्या होते हैं? ये घुल जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट्स का क्या मतलब है? पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पोलर सॉल्वेंट कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। और इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है, ठीक है। अब ये कौन कौन से पोलर सॉल्वेंट हैं जिसमें ये लिपिड्स डिसॉल्व होते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। हाँ, तो ये जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें जो है लिपिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं वो हैं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, हॉट एल्कोहल, पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सेट्रा। और ये ईथर तो दो बार है, मैंने आपको कहा एक बार हटा दीजिएगा इसको, ठीक है। सो बेंजीन,
क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, हॉट अल्कोहल, पेट्रोलियम। ठीक है जी। ड्यू टू दिस रीजन दीज आर रिगार्डेड टू बी हाइड्रोफोबिक। तो इसी रीजन की वजह से लिपिड्स को हम हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये यहाँ पे रीजन यहाँ पे दिया गया है कि दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में ये जो लिपिड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में लिपिड्स जो सॉल्युबल हो जाते हैं, इस रीज़न की वजह से हम लिपिड्स को जो है हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। ठीक है जी, लिपिड्स को जो है हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स लिपिड्स आर प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, फ्रूट्स। प्लांट्स में जो है लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में जो है लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सीड्स में, नट्स में, फ्रूट्स में, बीज में, नट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश। ठीक है, इसमें, और फ्रूट्स माने फल, आम, केला, सेब, ये सब। ठीक है, इन एनिमल्स लिपिड्स आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, नर्वस टिश्यूज, लिवर एंड बोन मैरो। ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होते हैं लिपिड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में जो है लिपिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स के ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स में, उन सेल्स के जो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि जो कॉम्पोनेंट पार्ट है सेल का, उन कॉम्पोनेंट पार्ट्स के ग्रुप को जो है उन जो क्या कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये होता है कि जो सेल्स का कि जो सेल्स के कॉम्पोनेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, सेल्स के जो कॉम्पोनेंट पार्ट्स हैं उन कॉम्पोनेंट पार्ट्स में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और लिवर और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए अब तीनों को बारी बारी आपको समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स में क्या होता है कि देर इज अ सब क्यूटेनस लेयर सर्विंग एज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स में क्या होता है कि स्किन पर एक सब क्यूटेनस लेयर होती है। सब क्यूटेनस का मतलब होता है कि ऐसी लेयर जो एकदम स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, सो सब क्यूटेनस लेयर सर्विंग एज अ इंसुलेटर ऑफ हीट। तो ये जो सब क्यूटेनस लेयर होती है एनिमल की स्किन पे, वो हीट के इंसुलेटर की तरह काम करती है। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ये हीट को बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट करती है, यानी कि बचाती है। ठीक है जी, पैड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेंस, वेरियस ऑर्गेंस के जो पैड्स होते हैं, क्या कहते हैं कि पैड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेंस, हम्स ऑफ कैमल इज अ सोर्स ऑफ रिजर्व वाटर। अब जो वेरियस ऑर्गेंस के जो क्या कहते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेंस के जो पैड्स होते हैं, हम्स होते हैं कैमल्स के, वो रिजर्व वाटर के सोर्सेज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वाटर को कैमल जो है अपने जो हम कैमल का जो हम्प होता है वहाँ पे जो है कैमल वाटर को रिजर्व कर लेता है, और वेरियस ऑर्गेंस के जो पैड्स होते हैं वहाँ पर भी ये वाटर को जो है रिजर्व कर लेता है। ठीक है, अब आइए नर्वस टिश्यू के बारे में समझते हैं। माइलिन शीथ क्या होता है? सर्विंग एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो माइलिन शीथ कैसे काम करता है? माइलिन शीथ जो होता है नर्वस टिश्यू में, जो माइलिन शीथ होता है, दिस सर्विंग एज अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या माइलिन शीथ क्या करता है कि क्या कहते हैं बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्जेस को आने से प्रिवेंट करता है। इंसुलेटर का मैंने मतलब आपको बताया कि प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आइए लीवर एंड बोन मैरो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लीवर और बोन मैरो में क्या होता है, यहाँ पे फूड रिजर्व होते हैं। ठीक है, फूड रिजर्व होते हैं। लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10-20% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग। तो और लिपिड्स क्या होता है, क्या कहते हैं कि लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10-20%। ठीक है, लिपिड्स जो होता है जो क्या कहते हैं कि जो हेल्दी ह्यूमन बींग है उसके नॉर्मल बॉडी वेट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके नॉर्मल बॉडी वेट में 10-20% लिपिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, लिपिड्स आर हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स। लिपिड्स जो होते हैं बहुत ही हाई एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स, यानी कि बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं। लिपिड्स सर्व एज एन रिजर्व फूड मटेरियल।
लिपिड्स जो होते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स यील्ड्स 9.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब जो 1 ग्राम लिपिड होता है उससे 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी यील्ड होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सम लिपिड्स पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ, अब कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो कि वो क्या कहते हैं, वो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब किस किस की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, आइए अगली स्लाइड में जानते हैं, ठीक है। तो कुछ लिपिड्स होते हैं वो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके सिंथेसिस में, हॉर्मोन्स की सिंथेसिस में जिसमें स्टेरॉयड हॉर्मोन्स आते हैं, विटामिन की सिंथेसिस में, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंजाइम सिस्टम की सिंथेसिस में, ठीक है। और हाँ, सिंथेसिस का मतलब होता है यहाँ पे, सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सम लिपिड्स पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन में लिपिड्स का लिपिड्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, किस किस के फॉर्मेशन में लिपिड्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो है हॉर्मोन्स जिसमें स्टेरॉयड हॉर्मोन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, और एंजाइम सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स आते हैं, एंजाइम सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स आते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।